शरीर को स्थिर रखें। और अपने आप को इस शरीर से न्यारी प्रकाश बिंदु आत्मा के रूप में देखें। ये शरीर प्रकृति का हिस्सा है। पांच तत्वों से ये शरीर बना है। मैं आत्मा चैतन्य सत्ता हूँ, परमधाम निवासी परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये शरीर इस दुनिया का है। मैं इस दुनिया की नहीं हूं। अपने आप को इस शरीर से उपराम शरीर से ऊपर शरीर से न्यारी धीरे धीरे बुद्धि बल से शरीर से न्यारी होती हुई मैं आत्मा इस पांच तत्वों की दुनिया से परे उस सूक्ष्म लोक में पहुंच जाती हूँ जहाँ चारों तरफ सफेद प्रकाश है। मैं आत्मा भी इस स्थूल ड्रेस से अलग एक लाइट की ड्रेस धारण कर लेती हूँ। लाइट की बनी फरिश्ता ड्रेस इस देह और देह की दुनिया से परे उपराम स्थिति में फरिश्ता ड्रेस में
उस सफेद प्रकाश के लोक में बैठी हूँ। ये सूक्ष्म लोक निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया के बीच है। बीच में बैठ मैं दोनों निराकारी और साकारी दुनिया को स्पष्ट अनुभव कर पा रहे हैं। नीचे ये साकार लोक धरती का गोला साफ नजर आ रहा है। और ऊपर परमधाम जहां मेरे प्यारे बाबा बैठे हैं। मैं प्यारे बाबा से शक्ति भरते हुए इस साकारी दुनिया में उस शक्ति का संचार करती जा रही हूँ। बाबा से पवित्रता की शक्ति, पवित्रता की किरणें स्वयं में धारण कर अपने नैनों के द्वारा इस साकारी सृष्टि पर प्रवाहित करती जा रही हूँ। इस न्यारी और प्यारी अवस्था में मैं निमित्त बन बाबा की शक्तियों को, पवित्रता को विश्व परिवर्तन अर्थ संचार करने का माध्यम बन रही हूँ। नीचे साकारी लोक में चाहे तत्व चाहे आत्माएं अपनी तमोप्रधानता के कारण दुख का अनुभव कर रहे हैं। बाबा की शक्ति मरहम की तरह दुखियों के दुख हर रही है। प्रकृति में प्राण भर रही है। और हरेक की नजर, हरेक का योग उस परमात्म शक्ति से जुड़ता जा रहा है। सबकी बुद्धि बाबा की तरफ मुड़ती जा रही है। कुछ घड़ियाँ
अपनी सुंदर फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाए। अब वापस आ जाएं इस साकारी लोक में और पुनः अपने इस भौतिक चोले में स्थित हो जाएं। Shut up.